बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन पालक की रेसिपी, जिसके लिए हमने 1.5 किलो चिकन लिया है। ये आधा किलो के करीब में पालक है जिसको मैंने काट के धो के साफ कर लिया है। ये मैंने 2 अदद प्याज ले लिया है जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, अभी मैं इसको पीस लूंगी। ये 2 अदद टमाटर है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये मेरे पास गरम मसाला है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, ये बादियान के फूल हैं और लौंगे हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होगा मेरे पास। ये मसाले हैं, ये 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी है और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं। ये मैंने हरा धनिया है जो मैंने काट के रखा है। ये मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है जिसको मैंने कूट लिया था, और ये मेरे पास 1 चम्मच गरम मसाला है। ये ऑयल है जिसमें हम इसको तैयार करेंगे। चलाएं, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम एक देखची लाएंगे और उसमें तकरीबन आधा कप के करीब हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें ये गरम मसाला डालेंगे। इसको हम हल्का सा इसमें 1-2 मिनट के लिए हिलाएंगे ताकि इसकी दिल में खुशबू आ जाए, फिर हम इसमें और चीजें डालते हैं। अब हम इसमें जो पिसी हुई प्याज थी वो डाल देंगे। हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखें, जैसे हमें चाहिए थी ये गोल्डन ब्राउन पे हो गई है। अब हम इसमें जो हमारे पास टमाटर का पेस्ट रखा है वो हम इसमें मिला देंगे। तो साथ साथ हमें चलाते भी जाएंगे। अब जो हमारे पास हरी मिर्चें पीसी हुई थी, हमने पीसी थी, वो भी हम मिला देंगे इसका पेस्ट। इसके साथ हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। साथ ही साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों के साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तो लगेगा इसको। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए, हमारा सालन जो है अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें टमाटर, हरी मिर्चा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था हमने। अब हम इसमें जो स्पाइस है, नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी मिर्च, इसमें ये मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दूसरी तरफ हम एक डेगची लेंगे, उसमें हम ये पालक डाल देंगे ताकि इसका पानी अलग से खुश्क हो। ये चिकन है, चिकन में हम अगर पालक ज़्यादा देर डालेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। ये हमने इसमें पालक डाल दिया और जो ये हमारे पास हरा धनिया कटा रखा था ये भी हमने इसमें डाल दिया। इसका हम अलग से पानी निकलने देंगे। हमने फ्लेम ऑन कर दिया ताकि इसका यहाँ अलग पानी निकलेगा और वहाँ हम अपना गोश्त भून के सालन को तैयार कर लेते हैं। इसमें हम सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पालक और हरा धनिया सब अपना पानी छोड़ेगा। तो अब हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं पकने के लिए, इसका पानी निकलने के लिए। ये देखें, अभी हमारे पालक में पानी है। इसको हम थोड़ा सा और खुश्क करेंगे। हमारे पालक ने भी पानी बिल्कुल छोड़ दिया है और ये खुश्क हो गई है। और इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे।
देखें हमें इसी तरह से पालक चाहिए थी। ये हमारा सालन अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और उसको फिर हम थोड़ी देर पकने छोड़ देंगे। इस देगची में पालक थी, मैंने उसी में पानी डाल के इसमें मिला दिया है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने देंगे। अब हम इसमें जो हमारे पास कुटा हुआ धनिया था वो हम इसमें मिला देंगे। ये थोड़ा सा जो गरम मसाला था वो भी हम इसमें डाल देंगे और जो कसूरी मेथी है वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें। इसके साथ हम इसको करके मिला देंगे। इसमें पालक मिलाई थी, अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इतनी अच्छी तरह से भुनाएगा ये अपना तेल छोड़ने लग जाएगा। जब तेल छोड़ेगा तो फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे हल्की आंच पे रख देंगे। ये हमारा सालन अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमने जो कसूरी मेथी ली थी इसको हमने अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। चला के इसके फ्लेम को अब हम मीडियम आंच पे करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। ये हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस अपना ऑयल भी छोड़ दिए। जनाब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो इसमें एक चम्मच देसी घी भी डाल दें, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। फाइनली हमारा पालक चिकन पालक तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरीद का सीज़न ख़त्म हो चुका है और ऐसी बात है गोश्त भी बन रहा है हर घर में, तो उसमें कभी कभी दिल चाहता है कि चेंज करके बनाएं, इसलिए मैंने चिकन पालक बनाया है ताकि थोड़ा चेंज हो जाए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा खाके कि कैसी बनी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में आप मुझे बताते रहा करें मेरी रेसिपियाँ कैसी होती हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को दबाना मत भूला करें। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।